ओम शांति। कल हम सब ने मुरली का महत्व सुना कि मुरली क्या चीज़ होती है और कैसे सुननी चाहिए। मुरली कोई कांच की मुरली नहीं, लेकिन ये लिखत में महावाक्य माउंट आबू से हमारे पास आते हैं। मेरे हाथ में है ये मुरली, और इस मुरली को सुनने के लिए हमें पहले कुछ पल के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर देना है और इस स्मृति में बैठना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। क्योंकि परमात्मा, जिन्हें इस मुरली में बार बार बाबा शब्द से संबोधित किया गया है, कहीं कहीं बाप शब्द कहा गया है, तो हमें ये बात समझ लेनी है कि जो बाबा शब्द आ रहा है ये उस परम शिक्षक के लिए, निराकार शिव महाज्योति के लिए शब्द आए हैं। इस मुरली को हम सब ने एकाग्र होकर सुनना है। अपने हाथ में डायरी पेन भी रखेंगे और मुरली की जो मुख्य बातें हैं उनको हम नोट करेंगे ताकि हम उन्हें बाद में रिवाइज कर सकें। जब हम मुरली सुने तो आत्मिक स्मृति में बैठें, और कोई भी सुनाए, निमित्त कोई भी बहन हो सकती है, कोई दीदी हो सकती है, हमारी बुद्धि में ये चीज़ पक्की रहनी चाहिए कि गॉड मेरे टीचर है और मैं उनका गॉडली स्टूडेंट हूँ। जो महावाक्य हैं वो परम पिता के हैं, उन्होंने जो कहा वो मेरे लिए कहा है। हमारी बुद्धि में वो परम पिता परमात्मा रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। हमें कभी भी सुनाने वालों को कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। हमें ये समझना है कि ये ज्ञान की बातें, ये महावाक्य जो शिव बाबा ने उच्चारे वो मेरे लिए कहे हैं। जो कुछ हम सुनते हैं वैसा वैसा हम चित्र बनाते हैं, तो उससे ना बहुत ही सहज हमें ज्ञान की बातें बुद्धि में याद हो जाती हैं। हमारा मन चित्रों की भाषा अधिक समझता है। जैसे बाबा मुरली सुनाते समय कभी परम धाम की बात करते हैं तो हमने परम धाम का विजन चित्रों में देखा है। ऐसे कभी बाबा सतयुग की बात करते हैं तो जहाँ की भी बात करते हैं हम अपनी बुद्धि को वहाँ लेके जाएंगे। मुरली सुनते समय हम इस ईश्वरीय नशे में पहले एक मिनट के लिए स्थित हो जाते हैं कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड मुझे पढ़ा रहे हैं। आप भी साइलेंस में बैठे और फिर एकाग्र होकर बाबा की बात सुनेंगे, परम पिता की बात सुनेंगे, गॉड के महावाक्य सुनेंगे, भगवान वाच। इसे श्रीमद् भगवद गीता में है कि जब मुरली बजती थी तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आती थी। हमने भागवत में ये वाली बात सुनी हुई है, तो वो कौन सी मुरली है? वो ईश्वरीय महावाक्य हैं जिन्हें सुनने के लिए हम अपने कार्यों को भी विराम दे करके फिर हम मुरली के लिए पहुंचते हैं, चाहे सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो हमें एक अच्छी गोपिका बन के मुरली सुननी है, मुरली का सुख लेना है, अतीन्द्रिय सुख लेना है। जब हम ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र होके सुनते हैं, तो सच में मन को बहुत रस मिलता है। इसको हमें केवल ऐसे नहीं पढ़ना लाइक ए न्यूज़पेपर, फटाफट पढ़ दिया फिर आपको लगेगा कि तो सारी बातें एक जैसी ही हैं। लेकिन जब आप इसे अच्छे से एकाग्र होकर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये बातें तो बहुत वैल्यूएबल हैं। और कोई भी बात, कोई भी शब्द हो सकता है कि वो हमें समझ में अभी ना आ रहा हो, परमात्मा तो ज्ञान सागर है, तो प्रतिदिन सुनते सुनते हमें वो बातें क्लियर होने लगती हैं। क्योंकि हमारी महावाक्य जो भी हम सुन रहे हैं परमात्मा के, उसमें हमारे प्रश्नों का भी समाधान होता है। अब देखना, जब आप रोज मुरली सुनेंगे ना तो जो जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं वो आपको इसमें जवाब मिलता जाएगा। तो अब आप तैयार हैं बाबा की मुरली सुनने के लिए, तो आप अपने मन में ये वाला विचार लाएंगे कि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान मुझे परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा आप मुझे पढ़ाओ और मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए सुनते हैं आज बाबा ने अपने महावाक्यों में
हमें क्या क्या कहा। आज के महावाक्यों का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम है, इसमें तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो, ये है सच्चा सच्चा कुंभ। ध्यान से समझेंगे, हम सब ने युगों के बारे में सुना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये कलयुग और सत्ययुग के बीच का जो टाइम है, इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये मन का मिलन होता है, इसी को सच्चा कुंभ कहते हैं। दो नदियों का जहां मेल होता है तो कहते हैं कुंभ है यहाँ। ठीक इसी तरह इस संगम युग में हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। क्वेश्चन है, कौन सा पाठ बाप पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। बाप मतलब गॉड फादर। ऐसा कौन सा लेसन है जो गॉड ही आके हमें पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता? ऐसे तो बहुत सारे टीचर है दुनिया में, बहुत सारी पढ़ाई है, स्टडीज हैं, लेकिन ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है जो गॉड खुद पढ़ाते हैं। तो ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो भगवान के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता? तो बहुत सुंदर बात है, इसमें आप सब भी सोच लेंगे कि कौन सी पढ़ाई है। परमात्मा पिता ने समझाया, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप पढ़ाते हैं, ये पाठ कोई भी देहधारी नहीं पढ़ा सकता। अब आपके लिए ये देही अभिमानी शब्द बिल्कुल नया है, क्योंकि आपने देह अभिमान शब्द तो सुना है जिसको हम बॉडी कॉन्शियस कहते हैं, और देही अभिमानी ये सोल कॉन्शियस के लिए आता है। देह अभिमान क्या होता है? जैसे किसी के भी ड्रेस को देखना, चश्मे को देखना, शूज को देखना, जब हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं और उसमें भी बार बार उन्हीं चीजों का चिंतन करते रहते हैं, जोर जोर से हंसना बहलना, सब देह अभिमान में आता है। इसी के साथ जो इसका सकारात्मक शब्द है वो है देही अभिमानी। जब ई की मात्रा लग जाती है तो उसमें हम खुद को आत्मा समझकर ये फील करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। तो जो देही अभिमानी लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो अंतर की ओर अपने आप को देखते हैं, और ऐसे लोग बहुत शांत होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, उनमें इनर स्टेबिलिटी होती है। तो बाबा ने कहा ये जो पाठ है ना, कि आप अपने को शरीर नहीं आत्मा निश्चय करो कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। जस्ट विजुअलाइज कि मैं एक स्टार हूँ, मस्तक में चमक रहा हूँ, और मेरे सामने भी जो आ रहा है वो भी एक स्टार है, शाइनिंग स्टार है, एक विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। तो ये जो आपकी दृष्टि दूसरे के लिए गई, आत्मा पर गई, आत्मा के गुणों पर गई, ये है देही अभिमानी बनने का पाठ। ये पाठ परमात्मा के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता, सच में ये एक इतना आसान पाठ है, और अभ्यास नहीं करेंगे तो मुश्किल भी लगता है। शुरू शुरू में आपको भी लग रहा होगा कि अपने को आत्मा कैसे समझे। इसके लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस आप करेंगे कि जैसे जब आप रात्रि के समय में आकाश की ओर देखते हैं तो सितारे होते हैं, तो आप ये फील करें कि मैं एक शाइनिंग स्टार हूँ, सब अपने अपने मस्तक में शाइनिंग स्टार है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, आज मैं इस शरीर में हूँ, इससे पहले मैं कहीं और थी। तो इस तरह से शरीर बदलते रहे, लेकिन मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, यह है सोल कॉन्शियस बनना। इसका फायदा क्या होता है कि आप संसार में रहते हुए संसार से डिटैच रहना सीख जाते हैं। सोल कॉन्शियस बनने से आपको सबके गुण नजर आएंगे, अवगुण नजर नहीं आएंगे। और हमारी ये प्रॉब्लम हो गई आजकल कि हमें सबके अवगुण नजर आते हैं, और इतने सारे अवगुणों को हमने भर लिया अपने दिमाग में कि हमारा दिमाग एक डस्टबिन बन गया है। तो देह अभिमान की बजाय हमें देही अभिमानी बनना है। ये चैप्टर सिवाय गॉड के हमें कोई भी नहीं पढ़ा सकता। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी की ओर देखते हैं, तो हमें पांच तत्वों से बनी हुई देह को प्रकाश का शरीर समझना है, और उनके मस्तक में आत्मा को देखते हुए
एक शुभ संकल्प करना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा देही अभिमान क्या है और देही अभिमानी क्या है। जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमें विश्व एक परिवार लगता है और हमारे मन में किसी के लिए भी कोई घृणा भाव नहीं रहता। तो बाबा ने कहा, मतलब बाबा ने हम सबको समझाया कि देही अभिमानी बनने का पाठ बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुम्हें आत्मा का ही ज्ञान मिलता है। जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी बनते हैं, तो पहले पहले आत्मा का ज्ञान मिलता है। जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, सृष्टि चक्र जो है ये निरंतर चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अब ये नाटक पूरा हो रहा है, फिर से सतयुग आने वाला है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। बाबा ने समझाया कि आत्मा एक्टर है और वो शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ओम शांति, सभी मिलकर बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें मन में याद करने हैं, इसके तीन अर्थ होते हैं ओम शांति शब्द के। पहला, मैं एक शांत आत्मा हूँ, आई एम ए पीसफुल स्टार। फिर मेरे जो पिता हैं वो शांति के सागर हैं, शिव बाबा वो शांति के सागर हैं। और तीसरा, मेरा जो घर है वो शांति धाम है, आत्माओं का देश है। तो जब भी हम ओम शांति शब्द बोलें तो हमें ये तीनों अर्थ मन में याद आ जाने चाहिए कि मैं एक पीसफुल स्टार हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। अब हम पूरी मुरली को अटेंशन से सुनेंगे और फील करेंगे कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं, गॉड जो है वो हमसे बात कर रहे हैं, निराकार शिव बाबा ब्रह्मातन से हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जानते हो कि अब ये संगम युग है, संगम कल्प कल्प के संगम पर बाप स्वयं आते हैं। जो निराकार परमात्मा है वो पांच चार वर्ष में एक बार सृष्टि पर खुद आते हैं, आकर के तुम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। यही सच्चा सच्चा कुंभ है, इस युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब तुम अपने को भाई भाई समझते हो, कितना सुंदर पाठ है ये। अगर हम पढ़ लें तो संसार में कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। हर पांच चार वर्ष में एक बार शिव बाबा धरती पर आते हैं आत्माओं के अंदर, फिर से शक्ति भरने के लिए, उन्हें फिर से पावन बनाने के लिए, आत्मा की सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए। कल्प कहते पांच चार वर्ष के समूह को, पांच चार वर्ष में एक बार बाबा आते हैं। और बड़ी अच्छी खुशखबरी कि अब वो आ चुके हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और अब वो जाने की तैयारी में है। बाबा ने कहा, अब मैं तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ। घर चलना है तो उसके लिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमारा जो घर है वो परम धाम है, वहां जाने की तैयारी करनी है। क्या तैयारी करेंगे? अपनी बुद्धि को सब तरफ से डिटैच कर लेना और ये याद रखना कि मैं इस सृष्टि पर मेहमान हूँ। मैं जो भी कर्म करूँ मुझे ये याद रहे कि मुझे किसी भी कार्य में फंसना नहीं, परिवार में कार्यों में सब कुछ करते हुए भी डिटैच रहना है। घर गृहस्थ की रचना रच के उसे छोड़ के चले जाना कायरता है, फंस जाना कमजोरी है। तो ना तो हमें कमजोर बनना है ना हमें फंसना है, बल्कि कार्य करते करते इस कर्म क्षेत्र पर याद रखें कि अब वापस घर जाने का टाइम है। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ। अब तक तुम कहते थे हे भगवान हे राम, अब तुम्हें पुकारना नहीं याद करना है।
पहले हम बुला रहे थे, हे भगवान, हे राम। अभी ऐसा नहीं कि हम कहें हे शिव बाबा, नहीं, अभी याद करेंगे कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। पहले हम बुला रहे थे, अब बाबा हमारे लिए आए हैं, तो हमें उनको याद करना है। ये ज्ञान की बातें तुम्हें औरों को भी सुनानी है। बाप का परिचय सबको देना है, क्योंकि सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिला है, तो घर बैठे जब हमें ईश्वर का परिचय मिला, अब हमारा फर्ज है कि दूसरों को भी हम परमात्मा की पहचान दें, उनके साथ संबंध जुड़ाएं। परमात्मा को याद करने से उसकी जो शक्ति है वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते संदेश सबको देना है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कोई भी आए तो पूछो किसके पास आए हो, कोई भी आते तो पूछो किसके पास आए हो, और उसको आते ही परमात्मा का परिचय देना है और उनके साथ संबंध जोड़ाना है। तुम बच्चे ही जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जैसे राजा का बच्चा राजकुमार, हम सब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। वो अलग बात है कि कोई अपने आपको ब्रह्मा कुमार समझता है या नहीं समझता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का अर्थ क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को सुनना, उसको अपने जीवन में उतारना और परमात्मा के कार्य में मददगार बनना। ब्रह्मा की हजार भुजाएं दिखाते हैं ना शास्त्रों में, तो वो यादगार है कि ब्रह्मा अकेला नहीं, उसके बच्चे भी मददगार हैं। जैसे बच्चा आपके साथ शॉप पे हेल्प करता है तो आप कहते हो मेरा राइट हैंड है, तो हम सब बाबा की भुजाएं हैं। इसलिए ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाधारी भी दिखाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनके बच्चे हैं। हमें चलते फिरते भी बाबा को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। खुद भी याद करना है, दूसरों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। आपस में मिलते हैं तो कोई व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, बल्कि एक दूसरे से पूछना है आप शिव बाबा को कैसे याद करते हो, आपको कैसा अनुभव होता है। तो ज्ञान के लेन देन करने से क्या होगा कि हमारे मन बुद्धि का भी शुद्धिकरण होता जाएगा, व्यर्थ का किचड़ा निकलता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने कहा बाबा की ओर से सब सिक्के लदे बच्चों को नमस्ते। सिक्के लदे मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद मिले, लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड, 5-4 साल के बाद मिले, जिसे हम सुक्का लदा भी कहते हैं, बहुत मन्नत मान के जिसको मिलते हैं। मात पिता माता ब्रह्मा, पिता शिव बाबा का याद प्यार, बाप दादा में भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, कभी वो पिता तो वो दादा, वो दादा तो वो पिता, तो दोनों का याद प्यार। बाबा ने कहा बाबा की ओर से बच्चों को नमस्ते। हम सब मिलके जवाब देते, आप भी देंगे और साथ साथ जब भी ये नमस्ते आएगी तो हम सब मिलके बोला करेंगे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब की ओर से भी बाबा को नमस्ते। संगम युग हमेशा ही गुड मॉर्निंग है, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो। अब है धारणा के लिए सार, जो हमने पूरी मुरली सुनी उसके मुख्य धारणा बिंदु क्या रहे। जैसे अगर आप शुरू से याद करें तो बाबा ने मीठे बच्चे कह के संगम युग का महत्व बताया, फिर बाबा ने इविल बातों से बचने की बात कही, और एक दूसरे के मस्तक में स्टार देखना, देही अभिमानी बनने का पाठ बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे आप एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि आज बाबा ने क्या क्या कहा। फिर धारणा के लिए सार, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वो न सुननी है न सुनानी है, एक बाबा से सुनना है। चलते फिरते याद रहे, अब वापस घर जाना है। घर जाना है तो अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेट लेना है। उसके बाद अब बहुत सुंदर वरदान, हर मुरली में वरदान होता है। वरदान मतलब गॉड की ब्लेसिंग हमारे लिए, जिसपे हमें पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, पुरुषार्थ में सफलता पाने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर करना, मतलब ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ये पहला पाठ लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल, एकरस, तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे।
अगर हम बाबा को फॉलो करेंगे तो हमसे भूले नहीं होंगी, अवस्था भी एक रस हो जाएगी, हमारी जो आंतरिक स्थिरता है वो बढ़ जाएगी। किसी भी बात में कुछ मुश्किल लगता है जब फॉलो करने की बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है, शक्ति भी व्यर्थ जाती है। अगर फॉलो करते जाएंगे तो समय और शक्ति बच जाएगी। सरल शब्दों में हमें बाबा को फॉलो करना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। उसके लिए हम बाबा की जीवन कहानी पढ़े, एक अद्भुत जीवन कहानी ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर कहानी है, जिसको हमने दो दिन पहले भी सुना था, उसको हम जरूर पढ़ें। बाबा ने कौन सा कर्म कैसे किया, तो कहीं पर भी हमें उलझन होगी तो हमें उसका समाधान मिल जाएगा। अगर हम फॉलो फादर करेंगे तो अबोल भी बन जाएंगे, एक रस भी बन जाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए स्वभाव को सरल बनाओ। क्या होती है सरलता? सरलता का मतलब अंदर बाहर एक जैसा। सरलता का मतलब होता है जो बड़ी बात को छोटा कर दे, छोटी बात को समाप्त कर दे। और पूरी मुरली में से अब होमवर्क क्या रहेगा, हम चलते फिरते सबको आत्मा देखने का अभ्यास करेंगे, और किसी को भी देखेंगे तो बहुत अच्छी बात सोचेंगे, मन से सोचेंगे कि जो मेरे सामने उपस्थित है ये बहुत महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, भाग्यवान आत्मा है। अपने को भी आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, और हर कर्म से पहले ये याद करेंगे मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। करेंगे आप सब अभ्यास, रेडी? आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमें रात्रि तक, सुबह हम जैसे मुरली सुन रहे हैं तो रात्रि तक हम ये अभ्यास करेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और जो भी कोई आएगा उसको खाली नहीं भेजेंगे, उसको कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे मन से, जैसे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत भाग्यवान आत्मा हो, आप सरल चित आत्मा हो, आप प्रभु पसंद आत्मा हो। ऐसे जितना अच्छा सोचेंगे मुख से भी बोलेंगे दूसरों को कि आप बहुत अच्छे हो, कहीं दिल से बोलेंगे, कहीं आपको मुख से बोलने में कठिनाई अनुभव हो रही है तो मन मन में दुआ देंगे। तो ये आत्म अभिमानी बनने का पाठ, देही अभिमानी बनने का पाठ हमें बाबा के समीप ला देगा। जैसे आज आपने ध्यान से मुरली सुनी, अब इस मुरली के होमवर्क को भी हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे। आप मुरलीधर की मुरली सुनकर अपने मन से सदा इंद्रिय सुख में रहें। ओम शांति।